जनपद संभल के तहसील चंदौसी में कृषि बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने कृषि बिल के खिलाफ विरोध जताने के लिए ट्रेन जाम करने का ऐलान किया था, लेकिन किसानों के रेल रोकने के ऐलान को लेकर संभल में पुलिस प्रशासन आज सुबह से ही अलर्ट पर था। जिले के चंदौसी, घनारी, बबराला रेलवे स्टेशन पर प्रशासन के निर्देश पर सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिस, पीएसी और जीआरपी के जवान तैनात कर दिए गए थे, जिसकी वजह से किसान ट्रेन रोके जाने के अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। चंदौसी में किसानों ने कृषि मंडी में इकट्ठा होकर छपरा एक्सप्रेस रोकने की कोशिश की थी, लेकिन पहले से ही मुस्तैद पुलिस ने किसानों को कृषि मंडी में ही रोक दिया, जिसके बाद किसानों ने कृषि मंडी में ही कृषि बिल के विरोध में धरना देकर सरकार से किसान बिल वापस लिए जाने की मांग दोहराई। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी में जुड़ने से पहले किसान की बेटी हूं, और किसान की बेटी होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे आज किसान भाई बहुत बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सारी राजनीतिक गतिविधियों को भूलकर मैं उनके साथ खड़ी हूँ, और आज भी मैं उसी जो है भावनाओं के साथ इनका सहयोग के लिए यहाँ समर्थन करके जो है बैठी हुई हूँ। जिस तरीके से सरकार ने एक मूड बनाया है कि किसानों को मजदूरों में कन्वर्ट किया जाए, हमारी जो विगत सरकारें रहीं उन्होंने किसानों को सबल करने के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए MSP का निर्धारण किया था, ताकि अगर किसी भी कृषि पर MSP लग रही है तो किसानों के मनोबल को बढ़ावा मिले, हमारे उत्पादन को बढ़ावा मिले, भारत में ही इतना उत्पादन हो जाए कि हमारे भारत के लोगों का पालन पोषण सही ढंग से हो पाए। ये नीति जो पहले हमारे सन 1962 में हुआ करती थी, वही स्थिति हमारी जो आज की वर्तमान सरकार ला करके खड़ा करना चाहती है, क्योंकि आज जो कृषि कानून, जो तीनों कानून काले कानून कहा जा रहा है, ये कोई गलत नहीं कहा जा रहा है, वाकई में काले कानून है। उन्होंने केवल दो पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए, उनका पूरे भारतवर्ष में व्यापार खड़ा करने के लिए और अपनी राजनीति को बहुत लंबे समय तक चलाने के लिए आपने हमारे देश के किसानों का गला घोटने के लिए कानून को बना करके तैयार किया है, और हम कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, हर तरीके से हम किसानों के साथ हैं जब तक ये जो है तीनों बिल वापस नहीं हो जाते।